हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फिर से हमने लेके आया एक नया वीडियो यहाँ पे गरीना फ्री फायर में। देख सकते हैं आप, एक नया इवेंट आ चुका है गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो जो है इंक्यूबेटर में नया इवेंट आ चुका है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पोकार एमपी 40 है वो आ चुका है बैक, इस टाइप से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक MP40 है एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो इसका जो एट्रीब्यूट है उसका बात करेंगे हम। और ये जो है MP40 निकलने वाला है, सो हमारे पास देख सकते हैं कितना डायमंड है, तो इसलिए हमारे वीडियो के ऊपर देखते रहना। अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। मैंने जब वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका माध्यम से आप जो है हमारा वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ और हमेशा लेके आऊंगा अभी आगे। पहले इसका एट्रीब्यूट का बात कर लेते हैं हम। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टॉप का जो स्किन था, यहाँ पे देख सकते हैं जो है वो एक ब्लू प्रिंट और 3 स्टोन में यहाँ पे जो है पोकार M40 जो है मिल रहा है येलो वाला। यहाँ पे देख सकते हो डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर और रेंज -5 है। ये जो M40 है एक्स्ट्रा जो है इसका ऐड किया गया है, डबल डैमेज है और सिंगल रेट ऑफ फायर, एक्यूरेसी -1 है। तो एक्यूरेसी -1 है तो इसमें हेड कम रहेगा टॉप वाला में। और जो हमारा ये जो था इसको दिया गया है ऊपर में, देख सकते हैं जो ऊपर में सिंगल डैमेज था और मैगजीन -1 था और डबल एक्यूरेसी +1 था। तो ये वाला नीचे था तो उसका ऊपर में दिया गया, पता नहीं क्यों दिया गया है। और एक ग्रीन वाला बात करें तो इसमें डबल डैमेज है और सिंगल रेंज है और इलेक्ट्रिसिटी -1 है यहाँ पे। और येलो का बात तो कर दिया पहले। और इसमें ब्लू ब्लू कलर में देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिंगल रेट ऑफ फायर है और रेंज -1 है और डबल मैगजीन +1 है। तो यही है सारा, कुछ नहीं है, सब कुछ बैग दिया गया है और ऊपर नीच कर दिया। और एक जो है एक्स्ट्रा MP40 ऐड किया गया है। इसका जो डिमांड बहुत ज्यादा था, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ 1 ब्लू प्रिंट है और 3 स्टोन में ये निकल जाएंगे। सही कर दिया इस बार ग्रीन वाला, सही कर दिया क्योंकि बहुत सारा बंदा का डिमांड था जो पोकार MP40 वो वाला है सबको लेने का। सो फाइनली जो है हमने चलते स्पेंड करने में। Yangting, you going crazy. Oh no, no. King, that shit fuego. Can't breathe in toxic skies. Pollute me with your lies. Yeah, I thought that oh, I'd die. Whoa, whoa, I can't. Protect those you love. फाइनली आप देख सकते हैं कितना कम डायमंड में जो है मेरा जो 2 स्टोन निकल गया, एक ब्लू पिन निकल गया। आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे निकल गया है। तो सिंपली इसको क्या करता हूँ और चलता हूँ अंदर में। ये जो है इसका डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल रेट ऑफ फायर, एक्यूरेसी -1, और इसमें भी सेम है। आप देख सकते हैं सिर्फ रेंज -1 है। तो इसको हमने निकलने वाला, तो फाइनली मैंने जो है इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। इसको मैंने कर लिया एक्सचेंज।
तो गाइस देख सकते हैं मेरा जो है निकल गया है कोबरा एम पी 40। अगर आपके पास कोबरा एम पी 40 नहीं है तो आप ये जो है येलो वाला ले सकते हो। और इसमें मैं बताऊंगा कोबरा एम पी 40 में और इसमें क्या फ़र्क है, आपको दिखा देता हूँ अभी जाके लॉबी में। ओके कर देता हूँ सिंपली। तो हम चलते हैं भाई गन स्किन पे और यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको जो कोबरा एम पी 40 और इसमें क्या फ़र्क है। तो कोबरा में देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैक्स पर यहाँ पे डबल डैमेज है और सिंगल रेट ऑफ फायर है, रिलोड स्पीड माइनस है। और ये जो पोका एम पी 40 यहाँ पे देख सकते हैं जो डबल डैमेज है और रेट ऑफ फायर माइनस है और रेंज माइनस है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसमें कमेंट में बताना कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना।